तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे। कुछ मेटल्स लिए हैं मैंने एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में ये कुछ रैंक्स लिखी हैं। तो हम इन मेटल्स के लश्रस सरफेस का लश्रस एक्टिविटी को कंपेयर करेंगे और उनको रैंकिंग देंगे। आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्ट आएगा आपको इसे देखने में और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। तो मैं आपको ये रैंकिंग का ऑर्डर समझाती हूँ बच्चों। इसमें एस वाला तो है सबसे हाईएस्ट रैंक, इसकी रैंक हाईएस्ट है, और ये फिर डाउन जाते हुए डिक्रीज हो रहा है। एफ वाला लोएस्ट रैंक है, ठीक है, एफ वाला लोएस्ट रैंक का है। तो अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सभी बच्चों को शायद ये बात ऑलरेडी पता होगी कि मेटल्स का शाइनी सरफेस होता है, जिसे लश्रस बोला जाता है। दे आर लश्रस इन नेचर। तो बच्चों आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। आपको बिल्कुल अपनी गेमिंग वीडियो जैसी फीलिंग आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको इसे पढ़ने में। देखिए अब हमें हाईएस्ट रैंक वाला इसमें एलिमेंट लेना है। तो हाईएस्ट रैंक वाला एलिमेंट होगा इसमें बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, हाईएस्ट रैंक वाला एलिमेंट है दिस वन, सिल्वर। तो मैं ये सिल्वर को यहाँ इस कॉलम में शिफ्ट कर देती हूँ। सिल्वर इज ऑफ हाईएस्ट रैंक, ठीक है। अब उसके लोअर सेकेंड नंबर पे हमारा आ जाता है गोल्ड। तो अब हम गोल्ड को शिफ्ट करते हैं। देखिए ये गोल्ड हम ले आते हैं इस रैंक में, तो गोल्ड हमारा आ गया इस वाली रैंक में। तो अब बच्चों मैं आपको साथ ही साथ इनके कुछ यूजेस भी बताती हूँ। जैसे सिल्वर के बारे में अगर हम बात करें, ये सिल्वर मेटल है। सिल्वर मेटल आप सबको ही पता होगा, ज्वेलरी में यूज होता है, ज्वेलरी में और यूटेंसिल्स में यूज होता है, कॉइन्स बनाने में यूज होता है। तो ये सिल्वर के यूजेस हो गए। गोल्ड की अगर हम बात करें, सेम वे में गोल्ड भी ज्वेलरी में यूज होता है, गोल्ड भी इवन यूटेंसिल्स बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। फिर हम आते हैं बच्चों दोबारा से अपनी इस रैंकिंग ऑर्डर पे। अब हमारा थर्ड नंबर का ऑर्डर है प्लैटिनम। थर्ड नंबर पर है प्लैटिनम। प्लैटिनम इसमें से बच्चों आपका ये वाला एलिमेंट हो गया प्लैटिनम, दिस वन इज प्लैटिनम। और प्लैटिनम के बाद फोर्थ नंबर पे अगर हम आए बच्चों, तो फोर्थ नंबर पे हमारा दैट मीन सी ऑप्शन पे आ जाएगा टाइटेनियम। तो टाइटेनियम लेते हैं हम इसमें से, ये टाइटेनियम को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ, ये हो गया हमारा पहले वाला सिल्वर, सेकेंड वाला हो गया हमारा गोल्ड, थर्ड वाला हमारा हो गया इसमें प्लैटिनम, फोर्थ वाला हो गया हमारा टाइटेनियम। प्लैटिनम की बात करें बच्चों, तो प्लैटिनम भी ज्वेलरी में यूज होता है। ज्वेलरी में आपको देखिए इस वीडियो से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक तो लश्कर के बारे में पता चलेगा और दूसरा आपको उनके यूजर्स भी पता चल रहे हैं। फिर अगर हम बात करें टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम की स्ट्रेंथ, सॉरी ये हम लेते हैं टाइटेनियम की स्ट्रेंथ काफी हाई होती है, हाई स्ट्रेंथ का होता है टाइटेनियम। और टाइटेनियम कोरोजन रेजिस्टेंट भी होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट, ठीक है। फिर हम दोबारा वापस अपने प्रायोरिटी ऑर्डर पे ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद डी नंबर पे दो एलिमेंट्स आ जाते हैं बच्चों, कॉपर एंड इरिडियम। कॉपर एंड इरिडियम, तो कॉपर इसमें से हमारा है ये वाला हमारा कॉपर है, तो हम कॉपर को ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं, और इरिडियम हमारा है ये वाला, इसे भी हम ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं। कॉपर और इरिडियम की बात करें अगर बच्चों हम, कॉपर एलिमेंट काफी कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है। कॉपर से बहुत सारे एलॉयज बनाए जाते हैं, एलॉयज बन जाते हैं कॉपर से, कॉपर से कॉइन्स भी बनते हैं, ठीक है ना। और इरिडियम की बात करें अगर हम, तो इरिडियम की हाईएस्ट डेंसिटी वाला मेटल है इरिडियम, हाईएस्ट डेंसिटी मेटल इरिडियम है। अब बच्चों फिर से हम प्रायोरिटी ऑर्डर पे आते हैं, अंडरस्टूड है। अब हमारा लास्ट एलिमेंट रह गया सबसे लोएस्ट रैंक पे, हमारा है सोडियम। तो सोडियम का लश्रस सरफेस सबसे कम है, तो ये आ गया सोडियम। सोडियम बच्चों
एक इस तरीके का एलिमेंट है कि इसमें इतना सॉफ्ट मेटल होता है, सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि इसे नाइफ से कट किया जा सकता है, नाइफ से। और सोडियम इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि इसको आप अगर एयर में छोड़ देंगे तो ये एयर से फायर कैच कर लेगा, तो बहुत जल्दी फायर भी कैच कर लेता है। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, इंटरेस्टिंग लगा है, तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल।